हेलो माय डियर लर्नर्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल माय सेफ लिखांशु सिंह योर केमिकल साइंस एजुकेटर इज़ बैक विद यू ऑल विद अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे राइट आई थिंक आप लोगों ने अभी रिसेंटली की न्यूज़ देखी होगी तो आप लोगों को ये हेडलाइंस देखने को मिलो इसी टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी जस्ट ये आउट हुआ है क्योंकि दैट इज़ नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इज़ अवारेड टू डेविड पेकर डेमिस हैसाबस एंड जॉन एम जम्पर राइट तो अभी ये काफ़ी रीसेंट न्यूज़ है अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर राइट right? बेसिकली इसके पीछे आ, ये जो नोबल प्राइज़ अवार्ड हुआ है किसने अवार्ड किया है किस चीज़ के लिए अवार्ड हुआ है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं एंड हाउ टू चेक कि कहाँ पे हमें पता लगता है कि कैसे हमारे नोबल अवार्ड्स कहाँ कहाँ मिले हैं लास्ट ईयर कहाँ मिला था थोड़ा सा अपने को अपडेटेड होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उस फील्ड में बींग इन द सेम फील्ड हम कभी भी इंटरव्यूज देने जाते हैं एंड ये अभी करंट का मुद्दा अभी रिसेंटली अवार्ड हुआ है तो आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा अच्छा आप नेट की तैयारी कर रहे हो आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए यू शुड भी अवेयर अगर आप नहीं भी हो फिर भी यू शुड भी अवेयर कि डे टू डे हैपनिंग्स में क्या हो रहा है राइट right? तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेसिकली अभी ये रिसेंटली अपडेटेड है नोब प्राइज इन इज अवॉर्डेड टू डेविड बेकर डेमिस एंड जॉन एम जम्पर अब किस चीज के लिए मिला है देखो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज है वो मिला है यहाँ पर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन राइट डेविड बेटकर को एंड जो उनके अदर हाफ हैं दैट इज जॉइंटली अवार्डेड टू डेमिस हेसबिस एंड जॉन एम जम्पर तो बेसिकली इन्हें अवार्ड हुआ है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड बाकी के दो जो साइंटिस्ट हैं दैट इज डेमिस हेसबिस एंड जॉन एम जम्पर इन दोनों को कलेक्टिवली फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रडिक्शन राइट तो ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिस रिसर्च पे काम कर रहे थे बेसिकली वो नोबल प्राइज़ के लिए सेलेक्ट हुई है एंड जो नोबल जो कमिटी है दैट इज रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज वो

एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं देखिए वहां से लेकर अब तक के हम सारे देख सकते हैं नोबल प्राइज इन फिजिक्स मिला है जॉन जे हॉफील्ड को एंड जॉफ्री ई हिंटन को राइट बेसिकली ए आई बेस्ड उनका वर्क था दैट इज फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क राइट नाउ नेक्स्ट अगर अपनी बात करें दैट इज नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री डेविड बेकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन डेमिस एंड For right? इनका आप भी देख सकते क्या साइटेशन uh, इनका ये सब कुछ आप चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं राइट right? कि इनका uh, जो ये वर्क था वो भी आपको अवेल हो जाएगा अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पर तो ठीक है एक सेकेंड हाँ इसके साथ साथ अगर हम दूसरा बात करें यहाँ पर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी अनाउंस हो गया इट हैज़ बीन गिवन टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकन राइट इन्हें किसके लिए अवार्ड हुआ है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आर एन एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जील रेगुलेशन राइट तो ये हो गया हमारे इस साल के नोबल uh, प्राइजेस अच्छा लास्ट ईयर का भी केमिस्ट्री का याद रखना अच्छा आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप सोच पाए तो ठीक है अगर नहीं भी सोच पाए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अनाउंस कर देती हूँ फिजिक्स में लास्ट ईयर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में अच्छा मैं बता देती हूँ किसके लिए मिला था फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो इन मैटर राइट तो यहाँ पर इनको इन तीन जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं इन्हें अवार्ड हुआ था लास्ट टाइम केमिस्ट्री का जो नोबल प्राइज था वो ट्रायो को मिला था दैट इज़ मोंगी लोइस ब्रोस एंड एलेक्सी यकीमोव राइट इन तीनों को मिला था यहाँ पर फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स सो नैनो के फील्ड में रहा था लास्ट टाइम इस टाइम प्रोटीन के फील्ड में रहा है ठीक है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटेक्शन यहाँ पर इससे रिलेटेड रहा है एंड इसकी आई थिंक मैंने आप लोगों को क्वान्टम uh, डॉट्स के रिलेटेड मैंने वो बताया भी था उनका जो रिसर्च वर्क था सिमिलरली आप यहाँ पर इनका भी सर्च कर सकते हो कि उन्होंने क्या प्रोटीन जो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइनिंग है वो कैसे क्या है क्या उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन था ये सब भी आपके लिए ओपन रहता है अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरस्ट इंटरेस्ट दिखाता है तो आप ये सब रीड भी कर सकते हैं राइट सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बींग इन द फील्ड आपको पता होना चाहिए राइट वी शुड भी अपडेटेड सिर्फ हम केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं फिजिक्स बायोलॉजी राइट लाइफ साइंसेस बट हम uh, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं कई बार हमें नहीं पता होती और हमें सबसे पहले इंटरव्यू में वही सब पूछ लिया जाता है अच्छा कि आप साइंटिस्ट uh, 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 की आप साइंटिस्ट के कोई पोस्ट पर गए केमिस्ट्री किसी पोस्ट पर गए जाकर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछ लेते हैं अच्छा आप करेंट में अपडेटेड हो अच्छा आपके फील्ड से ही पूछ लेते हैं एंड इफ दे आज की और आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे आपका इंटरव्यू रह जाता है तो चलिए आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए वी शुड बी अपडेटेड इन आर फील्ड सो दैट इज़ इट फॉर दी वीडियो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू सो मच कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे